अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम जो हमारा रिमेनिंग टॉपिक था उसको हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। तो चले आ जाते हैं। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे कि हम एलिसिटेशन क्यों करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ कि एलिसिटेशन का क्या मतलब होता है, कि कस्टमर से जब वो हमारे पास सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए आता है, हम उससे पूछताछ करते हैं, हम उससे पूछते हैं कि सॉफ्टवेयर क्यों बनवाना चाहता है, उससे इंफॉर्मेशन सारी निकलवाते हैं कि किस किस तरह का सॉफ्टवेयर बनाना चाहता है। यानी कि मैं अगर उससे पूछता हूँ, कस्टमर मेरे सामने बैठा हुआ है, मैं उससे पूछता हूँ कि आपने किस तरह का सॉफ्टवेयर बनवाना है, तो वह मुझे कहेगा मैंने ऐसा सॉफ्टवेयर बनवाना है कि जो मेरे स्कूल में जब कोई नया स्टूडेंट की उसके अंदर जब कोई नया स्टूडेंट जो है ना उसका एडमिशन हो तो उसकी एंट्री उसके अंदर सेव हो जाए। ठीक है, तो मैं चुप तो नहीं बैठ जाऊंगा, फिर मैं उससे और क्वेश्चंस पूछूंगा उसके बारे में कि सॉफ्टवेयर में मैक्सिमम कितने स्टूडेंट्स होने चाहिए, कि उनकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 1000 स्टूडेंट्स के लिए होना चाहिए, 2000 के लिए होना चाहिए। इसी तरह उस सॉफ्टवेयर के मुतालिक बहुत सारे मैं उससे क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर दूंगा। मैं अगर क्वेश्चनिंग उससे करूँगा तो तब वो मुझे आंसर करेगा, ठीक है, लेकिन अगर मैं उससे क्वेश्चनिंग नहीं करूँगा तो बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन रह जाएगी कि जो कि उसके लिए ज़रूरी होगी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। जब मैं उसको जाऊँगा सॉफ्टवेयर डिलीवर करने के लिए तो वो सॉफ्टवेयर में काफ़ी सारी कमियाँ होंगी, ठीक है, वो उसको भी पसंद नहीं आएगा और उसकी सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा होगा। तो इसमें ये सवाल था यहाँ पर कि हम एलिसिटेशन हम उससे रिक्वायरमेंट्स क्यों निकलवाते हैं। तो यहाँ पे देखें, पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि नॉट डूइंग एलिसिटेशन, कि हम उसे इंफॉर्मेशन नहीं निकलवाएंगे। इसका ये मतलब हुआ साफ साफ कि हमें कोई परवाह ही नहीं है कि कस्टमर क्या बनवाना चाहता है, किस तरह की चीज़ बनवाना चाहता है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे लिखी हुई है इस पॉइंट में, ये कहता है वो जब हम सॉफ्टवेयर बना के फ्री होंगे तो एक इस तरह का सॉफ्टवेयर बनेगा कि जो कि कस्टमर की पूरी रिक्वायरमेंट्स को सॉल्व नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तीसरी बात ये लिखी हुई है कि इस वजह से कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को वो फिलफिल नहीं कर रहा होगा तो इस वजह से वो उसको रिजेक्ट कर देगा, ओके का मैं ये यूज़ नहीं करता। तो फिर आपका क्या होगा लास्ट में, कि आपने जो उससे पैसे लिए थे, ठीक है, तो वो आपको उसको वापस कर देंगे, आपका अपना टाइम भी ज़ाया होगा और कस्टमर का भी टाइम ज़ाया होगा। तो उससे बेहतर है कि हम उससे फुल एलिसिटेशन कर लें, हम उससे फुल जो कि रिक्वायरमेंट्स ले लें। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं व्यू पॉइंट्स क्या होते हैं। असल में हम चाह ये रहे हैं कि हमें सॉफ्टवेयर के मुतालिक इंफॉर्मेशन मिले, ठीक है। अच्छा, अब व्यू पॉइंट्स क्या है कि इसमें हम क्या काम करते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन के, फॉर एग्जांपल स्कूल के जितने भी लोग होते हैं, उसके स्टेक होल्डर होते हैं, उनसे हम जाके पूछते हैं, स्टूडेंट से पूछेंगे उसका व्यू पॉइंट क्या है सॉफ्टवेयर के मुतालिक, ठीक है। फिर हम टीचर से पूछेंगे जो रोज़ पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, उनका व्यू पॉइंट क्या है, वो किस तरह का सॉफ्टवेयर चाहते हैं। इसी तरह प्रिंसिपल से मैं पूछूंगा, मुझे हर बंदा अपना व्यू पॉइंट बताएगा, अपना व्यू बताएगा, अपना एंगल जो वो देख रहा होगा, जिस तरह की उसको चीज़ चाहिए होगी वो बताएगा। तो इस तरीके से मुझे स्टूडेंट का जो स्टूडेंट की तरफ से भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, प्रिंसिपल की तरफ से भी इंफॉर्मेशन मिलेगी और टीचर की तरफ से भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो इस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये मल्टी पर्सपेक्टिव है, यानी कि इससे हमारे पास काफ़ी सारे लोगों के मनाजिर आते हैं कि वो किस एंगल से, किस मंजर से वो सॉफ्टवेयर बनवाना चाह रहे हैं, किस तरह से वो सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है, इससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है व्यू पॉइंट्स। अच्छा, ये अब आपको बताना चलूँ कि जो व्यू पॉइंट है ना, ये टेक्निक है हमारे पास, फर्स्ट टेक्निक है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की। अच्छा, इसकी थ्री टाइप्स होती हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास रिक्वायरमेंट्स व्यू, सॉरी इंस्ट्रक्टर व्यू पॉइंट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये उन लोगों के हम व्यू पॉइंट्स लेते हैं कि जो कि डायरेक्टली सिस्टम के साथ डील करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम स्कूल की बात करें तो जब स्टूडेंट का एडमिशन होता है स्कूल में, ठीक है, तो वो लोग जो उनसे होते हैं डायरेक्टली सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करके, ठीक है, और उसमें स्टूडेंट का रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। तो उन लोगों से जब हम पूछते हैं कि आपको किस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए, उनका व्यू पॉइंट लेते हैं, वो इंस्ट्रक्टर व्यू पॉइंट्स में आते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इनडायरेक्ट व्यू पॉइंट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ऐसे लोग जो कि डायरेक्टली सिस्टम के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो चौकीदार होते हैं स्कूल के, उन
उनसे हम पूछते हैं, उनसे हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है। उन वो उन चौकीदारों ने तो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन उनका कोई ना कोई व्यू पॉइंट होगा, उससे हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। असल में हमारा तो मकसद ये है ना कि हम उससे इन्फॉर्मेशन लें, तो ऐसा हो सकता है कि हमें चौकीदार कोई ऐसी बात बता दे, सिक्योरिटी स्टाफ कोई ऐसी बात बता दे, ठीक है, कि जो कि मुझे कहीं और से ना मिले। इस वजह से हमारी कोशिश होती है कि हम सारी हर जगह से जितनी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं सॉफ्टवेयर बनाने के मुतल्लिक, उतनी इन्फॉर्मेशन हम गैदर कर लें, ताकि सॉफ्टवेयर बनाने के टाइम कोई चीज़ गलत ना हो, सारी डिटेल्स हमारे पास हों। थर्ड आता है हमारे पास डोमेन व्यू पॉइंट्स। डोमेन व्यू पॉइंट्स में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप देखें, जो मैंने टीचर से पूछा था कि सॉफ्टवेयर कैसे किस तरह का आपको बनाना चाहिए इंट्रैक्टिव व्यू पॉइंट्स में, यहाँ पे तो टीचर ने मुझे कहा कि सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा होना चाहिए इस तरह के, मतलब उसने जो डिटेल्स बताई उसका बजट जब मैंने लगाया तो वो 20,000 बन रहा था, लेकिन जब यहाँ पर मैं आया कंपनी वालों का भी कोई बजट था, उन्होंने मुझे कहा था भाई हमारे पास 10,000 है, इतने का सॉफ्टवेयर बनाना है आपने, इससे ज़्यादा उस पर पैसे हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो फिर आपको ये इस वजह से ये फिर 10,000 जो एक लिमिट आ गई है कि इससे ज़्यादा आपका नहीं हो सकता सॉफ्टवेयर, इससे ज़्यादा आप नहीं बना सकते, इससे ज़्यादा आप खर्चा उस पर नहीं कर सकते। तो ये कंपनी का आपके पास व्यू पॉइंट आ गया, ये कंपनी के कॉन्स्टेंट्स हो गए हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर बनाने के टाइम आपको इन सारी चीज़ों के बारे में देखना पड़ता है। अच्छा जी, सेकंड टेक्निक हमारे पास आती है इंटरव्यूज़। इंटरव्यूज़ देखें, लिखा हुआ है यहाँ पे दो टाइप्स के होते हैं, एक फॉर्मल होता है और एक हमारे पास इनफॉर्मल होता है, ठीक है। अच्छा, जो रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग की जो टीम होती है, ठीक है, वो क्या काम करती है, वो स्टेक होल्डर्स, आपको बता चुका हूँ स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, जो कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के स्कूल में जो काम करते हैं वो लोग, जैसे स्टूडेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, उनसे क्वेश्चंस उनके सामने रखते हैं और उनका वो उनसे आंसर पूछते हैं, तो इससे उनको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। इंटरव्यूज़ जो उनसे होते हैं, हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक क्लोज इंटरव्यूज़ होते हैं और एक ओपन इंटरव्यूज़ होते हैं। क्लोज इंटरव्यूज़ में क्या होता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल 10 क्वेश्चंस हैं, फिक्स हैं, जो कि हमने स्टूडेंट से भी पूछने हैं, टीचर से भी पूछने हैं, यानी कि 10 से ज़्यादा हम क्वेश्चन नहीं पूछ सकते उसके अंदर, इसके अंदर प्री डिफाइंड सेट ऑफ क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। जो कि ओपन इंटरव्यूज़ होते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें कोई फिक्स क्वेश्चन नहीं होते, इसमें कोई रेंज नहीं होती, इसमें जो दिल करता है एक दूसरे के साथ एक किस्म की गपशप करते हैं कि आपको सॉफ्टवेयर किस तरह का चाहिए, वो आगे से जब कहता है कि मुझे इस तरह का चाहिए, तो वो फिर ये उसको कहता है इस तरह में मेरे पास ये वाले 3 पहले लोग बनवा चुके हैं, ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगी, फिर वो उसको बताता है, डेवलपर उसको बताता है, आपस में एक दूसरे के साथ बात करते हैं, इसके अंदर कोई प्री डिफाइंड जो सा होता है ना क्वेश्चन नहीं होते। अच्छा, जो आपके पास नॉर्मली इंटरव्यूज होते हैं ना, वो ये क्लोज एंड और ओपन एंड दोनों का मिक्स होते हैं, कि इसमें हम मिक्स जो सा है ना फिक्स रेंज ऑफ क्वेश्चंस भी रखते हैं, और जो सा है ना हम इसमें, अच्छा उसके बाद आ जाता है यहाँ पे देखें लिखा हुआ है कि वो कहता है कि इंटरव्यूज़ आपके लिए उसके लिए बेहतर होते हैं कि स्टेक होल्डर्स किस तरह काम करते हैं, ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन के लिए इंटरव्यूज़ जो हम करते हैं कंडक्ट करते हैं ये उसके लिए अच्छे होते हैं, उसके लिए बेहतर होते हैं। फिर आता है कि किस चीज़ के लिए जो इंटरव्यूज़ होते हैं ये अच्छे नहीं होते, ये अच्छे इस वजह से नहीं होते कि जब आपके पास कस्टमर बैठा होता है जिसका आप इंटरव्यू ले रहे होते हैं, ठीक है, वो कुछ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ऐसा होता है कि वो कहता है ये तो इसको पता ही होगा, लेकिन डेवलपर को पता नहीं होता, तो इस चीज़ के लिए जो इंटरव्यू होता है वो अच्छे नहीं होते। अब इसमें आता है कि कौन से इंटरव्यूज़ इफेक्टिव होते हैं, कौन से जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो अच्छे होते हैं, मोस्टर होते हैं। कहता है जो बंदा इंटरव्यू ले रहा होता है ना, उसको ओपन माइंडेड होना चाहिए, उसको चुप करके ना, वो जो बंदा इंटरव्यू दे रहा है उसको चुप करके सुने कि वो कहना क्या चाह रहा है। ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल वो कहता है कि मैंने एक स्कूल के लिए, जो बंदा इंटरव्यू दे रहा है, ठीक है, वो कहता है मैंने एक स्कूल के लिए, अपने स्कूल के लिए बनाना है, वो कहता है जो इंटरव्यू ले रहा है वो आगे देखेगा चुप चुप बस ठीक है चुप, मैंने पहले भी एक स्कूल के लिए बनाया था सॉफ्टवेयर, तो आपको भी मैं बिल्कुल इसी तरह का बना के दे दूँगा, ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो चुप करके उसको सुने कि वो उसने किस तरह का इंटरव्यू बना, सॉरी इंटरव्यू कह रहा हूँ, किस तरह का उसने जो है ना सॉफ्टवेयर बनवाना है, चुप करके उसको सुने, ठीक है।
दूसरी बात यहाँ पे लिखी हुई है कि कहता है कि वो जो इंटरव्यू लेने वाला है वो जो इंटरव्यू देने वाले से इतना बड़ा क्वेश्चन ना पूछ ले डायरेक्ट कि आप किस तरह का सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, तो एक लाइन में तो उसका जवाब नहीं दे सकता, इतना बड़ा उसे क्वेश्चन ना पूछे, और अगर पूछे भी तो उससे बिल्कुल उस तरह का आंसर एक्सपेक्ट ना करे जैसा कि उसको देना चाहिए। उसे छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछें, आपने स्कूल के लिए सॉफ्टवेयर क्यों बनवाना है, ये इस तरह के छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछें और छोटी छोटी से करके उसे इन्फॉर्मेशन लें। अच्छा, आपके पास फिर नेक्स्ट टेक्निक आती है सिनेरियोज़। हमारे पास रियल लाइफ एग्जांपल्स होती हैं, ठीक है, इसमें हम ये चीज़ होती है कि हम स्कूल के बारे में पढ़े हैं तो कि सुबह सुबह स्टार्टिंग सिचुएशन होती है कि सुबह सुबह टीचर्स आ रहे होंगे और स्टूडेंट्स आ रहे होंगे, तो हमारे स्टार्टिंग सिचुएशन है, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल फ्लो ऑफ इवेंट्स होगा कि टीचर और टीचर्स जो उनसे होंगे स्टूडेंट्स को क्लासेस में पढ़ा रहे होंगे, तो फिर अगर कोई चीज़ गलत हो जाती है उसमें, यानी कि कोई टीचर नहीं आता, कोई टीचर एब्सेंट है, तो फिर क्या होगा उसका सिनेरियो, ठीक है। और उसके बाद अगर कॉन्करेंट एक्टिविटीज़ वो होती हैं कि जो इकट्ठी हो जाएं, एक साथ हो जाएं, फॉर एग्ज़ाम्पल तीन टीचर नहीं आते तो अब क्या होगा, उनको कैसे डील करना है, इनकी सारी इंफॉर्मेशन, ये इसका सारे हम सिनेरियोज़ बनाते हैं। उसके बाद हम एक ऐसा सिनेरियो सोचते हैं कि जब काम हमारा ख़त्म हो जाएगा, छुट्टी टाइम हो जाएगी, स्टूडेंट्स भी अपने घर जा रहे होंगे, स्टूडेंट्स भी अपने घर जा रहे होंगे, तो ये सारे हम सिनेरियोज़ इसके अंदर सोचते हैं कि हम अपने पास से खुद बनाते हैं कि वो इससे फिर हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, और फिर हम जो हमारा कस्टमर होता है सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए उसको हम दिखाते हैं कि हमने ये बनाया है, बिल्कुल ऐसी इंफॉर्मेशन है, बिल्कुल यही है कि इससे कोई गलत तो नहीं है, तो वो उससे फिर कुछ ना कुछ हमें बताता है कि इसमें जो सा है आपने ये चीज़ गलत कर दी है, इसमें हमारा ऐसा होता है, तो उससे फिर हमारी अंडरस्टैंडिंग जो सी होती है और अच्छी हो जाती है सॉफ्टवेयर के और उनकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास टेक्निक आती है इथनोग्राफी। इथनोग्राफी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि एक जो डेवलपर होता है, ठीक है, सोशल साइंटिस्ट, वो क्या काम करता है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन में जाके चुप करके बैठ जाता है। फॉर एग्जांपल स्कूल में चला जाएगा और वहाँ पे चुप करके जाके बैठ जाएगा, और उनका काम किस तरह वो लोग काम करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, किस तरह स्टूडेंट्स आते हैं, टीचर्स किस तरह पढ़ाते हैं, किस तरह वो डील करते हैं न्यू स्टूडेंट्स को, ए टू जेड जितने भी काम होते हैं उनको वो खुद ऑब्जर्व करता है, ठीक है, तो फिर इससे क्या होता है उसको ज़्यादा अच्छी समझ आती है। असल में होता ये है कि लोग जो बता रहे होते हैं, मैंने अब स्टेक होल्डर से भी पूछ लिया है, ठीक है, स्टूडेंट से भी पूछा है, प्रिंसिपल से भी पूछा है उनको किस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए, मैंने सिनेरियोज़ भी ले लिए हैं, इंटरव्यूज़ भी ले लिए हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि लोग जो बताना चाह रहे होते हैं वो असल में बता नहीं पा रहे होते, तो जब मैं अपनी आंखों से देखता हूँ, मैं खुद देखता हूँ कि वो किस तरह काम कर रहे हैं, तो फिर मुझे ज़्यादा अच्छा क्लियर होता है, और इसमें सॉफ्टवेयर बनाने में जो मिस्टेक्स होती हैं वो फिर बहुत कम हो जाती हैं। अच्छा जी, इथनोग्राफी का फ़ायदा क्या होता है? इथनोग्राफी का हमारे पास सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ऐसी रिक्वायरमेंट्स हमें पता चलती हैं कि लोग बता कुछ हो रहे होते हैं और वो बनवाना कुछ हो रहे होते चाह रहे होते हैं, तो इस चीज़ की रिक्वायरमेंट जब हम अपनी आंखों से देखते हैं ना, और फिर हम उनसे पूछ के कंफर्म कर लेते हैं कि आपने ये बनवाना है, तो फिर हमें भी समझ आ जाती है कि वो क्या बनवाना चाह रहे हैं, और ये भी पता चल जाता है कि वो क्या कुछ हो रहे हैं और बनवाना कुछ हो चाह रहे हैं, तो ये फिर हमें बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। चलिए, इस तरह हमें जो इन सारी टेक्निक से बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें कंपनी के बारे में मिल जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मिल जाएगी। हम फिर इन सारे को इकट्ठा करते हैं, सम अप करते हैं, तो सबसे पहले हमने क्या काम करना है, व्यू पॉइंट्स लेने हैं सब लोगों से, उसके बाद हम इंटरव्यूज़ कंडक्ट करेंगे और फिर इथनोग्राफी करेंगे, जिससे हमें ऑर्गेनाइजेशन की जो और इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उनके सिस्टम को समझने की हमें और ज़्यादा अच्छा समझ आएगा, फिर हम सिनेरियोज़ बनाएंगे कि स्टार्ट में ऐसे होगा, एंड में ऐसे होगा, तो फिर हम बना के वो उनके फिर यूज़ केसेस बनाएंगे, ठीक है, और फिर हम कस्टमर को दिखाएंगे कि आप यही बनवाना चाह रहे हो, जब वो कहेगा हाँ मैं यही बनवाना चाह रहा हूँ, तो फिर हम उसके बाद सॉफ्टवेयर की कोडिंग करेंगे, उसको बनाना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, थर्ड स्टेप हमारे पास था रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन।
इसका मैं आपको बता चुका हूँ कि रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होता है कि जो हमने रिक्वायरमेंट्स ली हैं हम उसकी डिटेल में जाते हैं, हम उसकी जो उनके तफसीलात में जाके ना उसको उसकी तफसीलात लिखते हैं हम, यानी कि उनकी तफसीलात में ये सारी चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं, इसमें आते हैं तो लिखते हैं कि हम उसमें पर्पस लिखते हैं कि वो सॉफ्टवेयर क्यों बनवाना चाह रहे हैं, क्लाइंट के बारे में लिखते हैं, कस्टमर और स्टेक होल्डर्स के बारे में लिखते हैं, और जिन लोगों ने उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना है उनके बारे में लिखते हैं, क्या क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं, ठीक है, और हमें काम किस स्पीड से करूँगा तो ये सॉफ्टवेयर जो मैंने इसको टाइम बताया है उसके अंदर ख़त्म होगा, और उसके बाद आ जाता है कि प्रोडक्ट जो मैं बना रहा हूँ, जो मैं सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ वो उसकी उसका क्या मेयार है, वो किस मेयार की होनी चाहिए, ये सारी मतलब के सॉफ्टवेयर बनाने के मुतालिक सारी जो उनकी है ना तफसीलात लिखेंगे इसमें। उसके बाद इश्यूज़ के बारे में हम थोड़ा सा लिख लेंगे कि क्या क्या मेरे पास प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, मुझे किन रिस्क का सामना करना पड़ सकता है, किस काम में मुझे कितनी कॉस्ट आएगी, फिर डॉक्यूमेंटेशन मैंने किस तरह करनी है, और जो मेरे पास मसले मसाइल आएंगे उनका मैंने सलूशन किस तरह लिखना है, इन सब को बहुत डेप्थ में जाके हमने इसकी तफसीलात लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हम सॉफ्टवेयर के मुतालिक डिटेल्स इंफॉर्मेशन जो हमने ली है उनकी डिटेल्स लिखते हैं, उसको रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कहते हैं। अच्छा, फिर सेकेंड लास्ट चीज़ हमारे पास आती है रिक्वायरमेंट्स वैलिडेशन। इसमें क्या होता है, इसमें हम कंफर्म करते हैं कि जो रिक्वायरमेंट्स हमने ली हैं क्या कस्टमर वही बनवाना चाह रहा है, अगर तो वही बनवाना चाह रहा है तो हम उसको वैलिडेट करते हैं। दूसरी चीज़ ये देखते हैं कि जो कस्टमर बनवाना चाह रहा है, ठीक है, उसका जो बजट उसने बताया है वो उसके अंदर वैलिड है, उतना ही बजट है या उससे ज़्यादा एक्सीड तो नहीं कर गया, तो ये चीज़ हम उसको देखते हैं, ये चीज़ें हम इसके अंदर देखते हैं और फिर उसको वैलिडेट करते हैं कि ये रिक्वायरमेंट्स ठीक हैं या तो फिर नहीं। और लास्ट में हमारे पास आ जाता है रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट। इसमें हमारे पास क्या होता है कि अब जितनी भी हमने रिक्वायरमेंट्स ली थी ना, ये असल में मैं आपको बताता चलूँ कि इतना ज़्यादा हम टेक्निक्स क्यों इस्तेमाल करते हैं, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी होते हैं सॉफ्टवेयर के जो कि जिनमें 10 साल लग जाते हैं, 20 साल लग जाते हैं, ठीक है, तो वो रिक्वायरमेंट्स करते करते भी काफ़ी टाइम लग जाता है हमें, इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हुए काफ़ी टाइम लग जाता है, व्यू पॉइंट्स लेते हुए काफ़ी टाइम हमें लग जाता है, ठीक है, तो वो करते करते अगर तो कहीं पे कोई मिस्टेक आ जाए तो फिर वो यहाँ पे आके हम उसको चेंज करते हैं, ठीक है, यानी कि कुछ कोई चीज़ कोई रिक्वायरमेंट अगर उनकी चेंज हो गई है, ठीक है, वो ये नहीं चाह पहले उन्होंने ये बताया था कि हमें ये चाहिए तो अभी हम रिक्वायरमेंट्स ही कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ अर्से के बाद 2-3 सालों के बाद उन्होंने यहाँ चेंज करा दी कि वो कहते हैं कि ये नहीं चाहिए हमें ये चाहिए, तो वो सारी रिक्वायरमेंट्स को यहाँ पर हम मैनेज करते हैं रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट में, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, लेकिन अगर फिर भी आपकी कोई कन्फ्यूजन्स हैं तो आप मैसेज में या मुझे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर योर टाइम, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।